जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पाचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहा करते, मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गरदासी, और मैं जुलाहे का सुत आन कहाया, हर जगत करे मेरी आसी। मैं तो अजर अमर अविनाशी, मैं तो पूर्ण परमात्मा हूँ। अब आपको आगे थोड़ा सा आधे घंटे के सत्संग में सारा निर्णय मिलेगा। अब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए और इस अध्यात्मक मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू वो परमात्मा ही करके जाते, नहीं तो काल ने तो आग लगवा रखी होती है, परमात्मा का सिर पैर नहीं छोड़ रखा होता। तो उन्होंने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु अगे आदीन। कहते तुम राम कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, उन्होंने भी गुरु किया। कहते सब जग राम रटत है, और जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ जी गुरु बनाए, उनको दिया ओम नाम। कबीर साहब कहा करते, तुम श्री रामचंद्र जी पुत्र श्री दशरथ, इसको तुम मोक्ष का मालिक देने वाला दाता मान के तुम श्री राम की पूजा करते हो, और इस श्री राम ने वशिष्ठ ऋषि जी को गुरु बनाया था, और उस वशिष्ठ ऋषि जी ने उसको ओम मंत्र जाप करने को दिया था। बता तुम रामचंद्र तो मोक्ष था, और रामचंद्र जी का मोक्ष हुआ गुरु बना कर, जिसा भी होना था स्वर्ग जिसमें जाना था वो भी उस तरीके से गया। इसलिए परमात्मा ने गुरु मर्यादा बनाने के लिए एक लीला करनी पड़ी कि आने वाले समय में, नहीं तो जैसे यु काल का पंथ चल पड़ा राधा स्वामी पंथ, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था हैं, अरिब दास ये कहता भाई ये नकली पंथ है, इसमें गुरु नहीं बनाया इनने। तो अगर परमात्मा कबीर साहब को तो आवश्यकता थी ही नहीं गुरु की, लेकिन हमारे लिए एक मर्यादा बनाने के लिए, नहीं तो आज वो ये कहते कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, और वह पर डंडोरा पीटे हैं नो, रामानंद जी को गुरु बनाया कबीर साहब ने। तो ये लीला करनी पड़ी दाता ने कि कहीं आने वाले समय में कच्चा काम ना रह जाए। समर्थ उसी को कहते हैं, सर्वज्ञ उसी को कहते हैं, जो भविष्य में भी आने वाली त्रुटियों से हमें बचा गया। अब क्या किया मालिक ने, के लीला करी जो 5 वर्ष के हो गए, एक गंगा नदी के ऊपर घाट बना हुआ था स्नान करने के लिए, और वहां पर ये महर्षि एक स्वामी रामानंद जी थे, उसमें कबीर परमेश्वर जी 5 वर्ष का लीला करते हुए शरीर था उनका, तो उस समय 104 वर्ष के थे स्वामी रामानंद जी महर्षि, और वो बड़े बोलबाला था उनका। सब ये मानते थे कि महर्षि रामानंद जी जो हैं वेदों गीता पुराणों के मर्मज ज्ञाता है, उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे ये प्रचारक। उनमें से एक अष्टानंद ऋषि था जो परमात्मा को आते हुए उसने देखा था सतलोक से, एक प्रकाश पुंज रूप में फिर बालक रूप दिखाई दिया था, वो भी उसी रामानंद ऋषि के शिष्य थे। रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए उस गंगा घाट पर जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जाकर के कबीर जी उन पौड़ियों में लेट गए, रामानंद जी अंधेरे में नीचे जा रहे थे स्नान करने के लिए, पौड़ी उतर रहे थे, परमात्मा के सिर में उनकी खड़ाऊ लग गई रामानंद जी की, जैसे बालक रोया करते हैं वो लीला रोने की करी। एकदम रामानंद जी झुक गए, किस बालक का चोट लगी, क्यों साधु संत बड़े दयालु होते हैं। एकदम नीचे झुके तो उनके गले में एक कंठी थी, कंठी बोलते हैं, एक कंठी होती है तुलसी के लकड़ी के,
एक मन का होता उसमें एक मणिया, और वो धागे से बांध कर अच्छी लटकाते नीचे ते की अच्छी लंबी यानी आसानी से काट ले ना आवाज, उसने निकाल दे फिर पैर ले। ऋषि जी बड़े बड़े जटा रखाए करते थे, तो वो कंठी जो थी वह धागे में एक मन का डला हुआ, वो क्या होती है, वो ये पहचान होती है कि ये उपदेशी है और वैष्णो परंपरा से है। तो वो जब नो झुके एकदम रामानंद जी, उनकी वह कंठी निकल गए और कबीर जी का गलगी गले में। अंधेरा था, रामानंद जी ने तो सिर्फ ये पूछ कहा कि बेटा रो ना, रो मत बेटा, धोखे से पैर लग गया तेरे, और राम राम बोल बेटा, राम राम बोल, राम के नाम ते सुख होता है, दुख दूर होते हैं। अब कबीर साहब चुप हो गए। अब रामानंद जी ने सोचा किसी का बालक होगा, रास्ता भूल के आ गया, कहा बेटा तू यहाँ बैठ जा, मैं स्नान कर लेता हूँ, तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा और चिंता ना कर। रामानंद जी तो स्नान करने लग गए, वो वहां से अंतर ध्यान हुए और अपने वो मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आके विश्राम किया। अब उधर से रामानंद जी स्नान करके बाहर आए तो देखा बालक है नहीं, इधर उधर देखा, एक दो से पूछा कि यहाँ एक बच्चा था अगले हमने नहीं देखा। तो रामानंद जी ने सोचा भाई चला गया होगा बालक, अंधेरे में तभी चल गया होगा, रोशनी होगी है चला गया होगा, बात उसका ध्यान से उतर गई। अब परमात्मा ने क्या किया, स्वामी रामानंद जी का शिष्य ऋषि एक विवेकानंद नाम का अपने अक्षेत्र में, जहां उसका अक्षेत्र बांट रखा था 1400 ऋषियों में से एक उसका भी अक्षेत्र था, तू यहां प्रचार करेगा, ये इनको तू समझाएगा, इनकी शंका समाधान करेगा। तो सत्संग कर रहा था, कबीर साहब भी जा बैठे वहां, कबीर साहब जा बैठे तो जब उसने प्रसंग शुरू किया कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं, यही तीन रूप धारण करके सब कार्य करते हैं, ये कभी रजगुण ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी तमगुण शिव बन जाते हैं, ये सब के जनक हैं, ये सब देवों के देव हैं, अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। जब उसने वो शिवपुराण की कथा कह सुन ली, भगवान विष्णु के ऊपर उसने प्रसंग चलाकर सत्संग किया, तब परमात्मा खड़े हुए और पूछा कि हे स्वामी जी, मैं आपसे कुछ शंका का समाधान चाहता हूं। अब सारे श्रोता बैठे, अब विवेकानंद जी ने कहा क्या बोल बेटा, क्या पूछते हो? आपने ये कहा कि विष्णु जी का कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, सर्वेश्वर है, इनसे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। तो मैंने एक दिन एक ब्राह्मण कथा कर रहा था शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंदर, पांचवा छठा और सातवां अध्याय वो पढ़ रहा था, उसमें मैंने सुना कि उसमें लिख रखा है ऐसे ऐसे कि इस काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब देखियो जरा उसमें, मैं तो खर पढ़ा नहीं, ऐसा है ब्राह्मण न पढ़िया, न्यो का न्यो पाया, कहते हैं राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये हरिन के छोड़े बिना भगवान नहीं मिले, न तो बनाए जाओ बात। आंखों पढ़ पढ़ा कर उनका बोला अरे झूठ बोलता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, उसको पता था सारे अशिक्षित बैठे हैं, और कहने लगे उस विषय को बदल दिया, विषय को बदल कर कहने लगा तूने किसी से नाम ले रखा, ये तिलक विलक लगा रखे हमारे जैसे। परमात्मा ने कहा कि हाँ मैंने नाम ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, किसे ले रखी है? विवेकानंद जी बोले कि जिससे आपने ले रखी है। अच्छा तू कौन है, तेरी क्या जाति है? अब परमात्मा तो बोल नहीं पाए, श्रोता ही कहने लगे ये तो नीरू का लड़का नहीं है, दानक का, जुलाहे का, नीरू जुलाहे का पुत्र है ये, इसकी तो आदत है जहां भी जाता है छेड़छाड़ करे बिना नहीं टिकता। और विवेकानंद कहता है कि अच्छा ये जुलाहे का लड़का,
और क्या कहता है, तू मेरे गुरु जी से उपदेश ले रखा? हाँ जी, आप जिस गुरु जी से आपने उपदेश ले रखा है उसी से मैंने ले रखा। देखो रे श्रोताओ, देखो भाइयों, कितना झूठा और कपटी है ये, है ना पाखंडी, कैसी झूठ बोल रहा है, ऐसे ही पुराणों के बारे में झूठ बोल रहा है ये। मेरे गुरु जी पता तूने कौन है? वो कहता विवेकानंद, परमात्मा से। परमात्मा कहते मुझे मालूम है आपके गुरुदेव और मेरे गुरुदेव स्वामी पंडित रामानंद जी महर्षि। विवेकानंद कहता क्या तूने उनसे उपदेश ले रखा? कहा देख तेरे जैसा चलक सारा सौदा मेरे पास। विवेकानंद ने कहा देखो भाइयों कितना झूठा है, अब मैं गुरु जी के पास जाऊंगा, इसकी सारी हिस्ट्री पूछूंगा और कल तुम भी आना वहां पर, सुबह देखना इसकी कैसी पिटाई गुरु जी करेंगे। अब उस विवेकानंद का आदेश उसके सारे श्रोता पहुंच गए सुबह सुबह रामानंद जी की कुटिया पे। रामानंद जी के पास सामने जाकर उस विवेकानंद ऋषि ने कहा महाराज जी मारी तो नाक काट दी एक जुलाहे के बालक ने, ये परमात्मा वो तुझो कह है कि मैंने स्वामी जी से नाम ले रखा है, हे दाता हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे शकल दिखाओगे जनता में, एक दानक का सुदर का लड़का आपको गुरु बताता फिरता, उसने बेइज्जती कर दी। अब रामानंद जी ने यह बात सुनी नो कुदर गुस्से में हो गया कि उसको कल लाओ मेरे सामने पकड़ के, मैं तो इन सुदरों के निकट भी नहीं आने देता, क्यों उनके नंबर कट जा जैनो बेरा पट जा, किसी ब्राह्मण ने सुदर को उपदेश दे दिया तो उसके चेले भाग जाते। इस डर से उसने खूब आंखें लाल कर ली। अब सुबह सुबह वो विवेकानंद 8-9 और लेकर मस्टंडे और पहुंचा दानकों की दुल्हाओं की कॉलोनी में, उस बगड़ में। तो वहां वो घर पूछ रहे थे नीरू का, एक बहन आवे थी, एक भक्त अव्यक्ति था, उनने देख लिया कि क्या बात है, ये तो इनकी नीयत तो ठीक ना लगती, झगड़ा करने का उद्देश्य है, लठ ले रही है, डंडा ले रहे, और पूछ रहे नीरू का घर। तो वो पूछ रहे थे, वो सुनते हुए निकट के जल्दी सी आगे और नीमा से आकर बताया कि नीमा अब तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया क्या, कई ब्राह्मण आ रहे हैं डंडा लेकर तुम्हारा घर पूछ रहे। इधर से एक व्यक्ति भी आके उसने यही कहा कि पता नहीं क्या बात है, तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया किसी से। और निम्मा समझ गई कि कबीर किसी ने छेड़छाड़ कायर ब्राह्मणा ने, और ये पहला छेड़ा छेड़ी करें जाया करते, किसी को जाकर छेड़ दे कह देते सच्ची और सच्ची का फिर दुख होया करे। तो कई उलाने आया करते दिन दिन में निम्मा के, वह अभी तंग हो रही थी। अब उसको पता था कि वो कल फिर किसी न किसी के साथ इसने छेड़छाड़ की होगी, रास्ते ये मारने कूटन पा के डंडे ले रहे थे। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को बच्चा ही मानती थी वो, तो कहा झोपड़ी में सोए थे वो तो वक्त जा लिया उठा के, और कहा बेटा तू झोपड़ी के पीछे बैठ जा और लेट जा तू यहाँ पर, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए पुराने पुराने से बेका से, और बोलिए ना जब तक मैं ना कहूँ। अच्छा माता जी। अब वो इतने में पहुंच गए वह विवेकानंद उसके समर्थक सपोर्टर, और वो जाते कहने लगे वो कहाँ तेरा पुत्र नीमा, कहाँ तेरा बेटा। वो कहने लगी जी क्या बात होगी, अग बात का तो वहाँ पता चलेगा गुरुजी के पास। वो कहती है जी मैं धमका दूंगी मेरे बेटे ने, आज के बाद कुछ नहीं कहेगा तुम्हारे को, नहीं नहीं अब तो वहीं फैसला होगा। अब वो माई तो एक तरफ धक्का दे दिया और बढ़ गए झोपड़ी में पटक के ठाठा के नो लठ डंडे गेला हाथ लाऊ तो वो फिर दानक बन जा पंडित जी थे, लठा गेला डंडे गेला नो रजाई उठा उठा देखे पलंग चार पाई सी थी वह उथल दी। नीमा ने पूछा जी कोई कारण तो बता दो, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने। अब परमात्मा ने सोचा ये माई ने गणा दुखी करेंगे, निकल कर उस गुदड़गा बेमा तो बाहर कपड़े थे खड़े हो गए और कहने लगे रे विवेकानंद आजा झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं मैं। अब अम्माई ने सोची देख निकम्मा यू क्या करे। अब वो तो भाग कर गई आवाज सुनते ही पकड़ लिया। अब वो जब लेकर चलने लगे परमात्मा को, निम्मा लपट गई अपने बच्चे के नो पकड़ के छाती से,
उन निकम्मा ने उसका इतने डंडे मार दिए, बेहोश कर दी। फिर पता लगा नीरू ने, नीरू भाग्य आया, क्या क्या आवाज होगी, क्या बात, क्या शोर मच रहा है। वह बेहोश पड़ी, बच्चे को लेकर जा रहे हैं, भाग कर उसने भी छुटवाने की चेष्टा की, उसके भी कई लठ मार दिए, वो भी अचेत हो गया और उसको ले गए। पुण्यात्माओं, देवी पुराण में लिखा है 414 पृष्ठ पे कि कलयुग के ब्राह्मण जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस कहे जाते थे, वो कलयुग के ब्राह्मण है। एक बार देखा है दुखदेव ब्राह्मण पे जग जा, ये देखिया देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके कौन है संपादक, हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये आपके समक्ष है। अब इसके 414 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। एक तीन पंडिता का पता लगा कि से ब्राह्मण थे ये, संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद और 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था, और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अपनात्माओं, 31 पवित्र देवी पुराण के इस लेख से ये स्पष्ट हो गया कि सतयुग के ब्राह्मण विद्वान किसे थे, ये नौकेन के द्वारा देवी की पूजा होया करती, और वेद में कितर देवी की पूजा का है कितर वर्णन, और जबकि देवी कहती है कि वेद के अतिरिक्त कोई साधना मत करो, और वेद में क्या मंत्र है आपको दिखाते हैं, वेद में क्या है देवी के द्वारा बताया, श्री देवी ने क्या बताया, 500 ये देखिएगा 565 थोड़ा सा दिखाएंगे झलक, ये सातवां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वत राज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, यह सारा कुछ वर्णन करके थोड़ा सा बताऊंगा इसमें। उसके विषय में क्या कहती है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो और नहीं करनी, और उस अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का यही पुल है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म को टारगेट बना, ब्रह्म का जाप ओम है, और वह है यह है सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब देवी क्या कह रही है, श्री देवी कह रही है कि और सब बात छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, किसका, उसका ओम नाम है, और ब्रह्म का उद्देश्य मानकर उसका जाप करो, और वो ब्रह्म, फिर देखो ये, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे समुद्र पार से जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी ओम नाम ब्रह्म का है, और वो ब्रह्म कहाँ रहता है, वह ये सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में सती वहां रहता है। देखो पुण्यात्माओं, व्यास जी को कितना ज्ञान है, और क्या कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वेदों का, क्या पता था उनको, और देवी कह रही है मेरी भी पूजा छोड़ो, केवल ओम नाम है ब्रह्म का जाप करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। और फिर देवी ने यह भी स्पष्ट किया है, ये देखिए 573 पृष्ठ पर दिखाते हैं कि वेद के अतिरिक्त किसी भी कोई साधना नहीं करनी चाहिए, ये सातवां स्कंद है, उसी में आगे चलकर देवी ने क्या बताया है,
ये 570 का इत्र पे, ये श्री देवी जी कहती है राजन, ये आगे बता रही है, यहां बताया है 571 पृष्ठ पे, कहा कि वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधर्मी व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मियों से न बात करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति के विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे हैं। उन शास्त्रों के नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरवा गम। तो शिव ने मोह में डालने के लिए इन नकली शास्त्रों का प्रतिपादन किया, समझो। कहने का भाव ये है। अब क्या कहा कि उनमें कहीं कहीं वेद अविरुद्ध अंश भी हैं, वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर लें तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है, अतः वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेदों का ही आश्रय लें, यही शाश्वत धर्म है। अब बताओ, ये सतयुग के ब्राह्मणा ने ये नहीं पता कि वेदों में दुर्गा की पूजा को नहीं लिखी, और नो कहे व्यास जी के राजन सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, वारे महर्षियों, और दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा छोड़ दे, सब बातों को छोड़ दे, ओम नाम है उस ब्रह्म का, ब्रह्म का जाप करो, और वो ब्रह्म लोक में रहता है। ये खाक विद्वान थे ऋषि महर्षि। अब देखो पुराणों में क्या लिखा, आगे देखो। अब 414 पे संक्षिप्त देवी भागवत और छठा स्कंद हमने ये पढ़ लिया। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण हर वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी इस दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अपने आत्माओं, ये मंदिरा का लठी ननगढ़वा रखे पंडिता ने, और सतयुग तक करते आ रहे। वेद में लिखा है केवल एक ओम मंत्र है, पवित्र श्री मद भगवत गीता जो है चारों वेदों का सारांश है, उसमें कहीं भी दुर्गा की पूजा का है कितने नामो निशान, और दुर्गा कहती है उसकी पूजा करो। अब आगे वो व्यास जी क्या कहते हैं, इसी 414 पृष्ठ पर देखो, जो हमारा प्रसंग है उसको लेते हैं। ये वही यहाँ क्या बताया है कि धर्म की यही सती थी, त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपने आत्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था। दास ने कह दिया कि ये कलयुग के ब्राह्मण सतयुग में जो राक्षस होते थे उनके से हो गए, और उन्होंने ये कर्म इव करके दिखाया। क्या किया, बेरमी से कूट छेद कर उन नीरू और नीमा को पटकिए अपनी मान बढ़ाई के लिए, और परमात्मा उस बालक को घसीट कर ले गए। वहाँ उनके गुरु रामानंद जी बैठे थे कुटिया में, आगे पर्दा लगा लिया, श्रोता वो दर्शक गणे आगे ब्राह्मण के भी ये पता करेंगे झूठा कौन है, और विवेकानंद जानबूझ के बुला के ले गया कि तेरी फिर इज्जत रह जाएगी हमारे गुरु जी की, वो उस विषय को भूल जाएंगे ये लोग। अब झोंपड़ी में रामानंद जी अंदर बैठे हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक बाहर खड़े हैं, बीच में पर्दा डाल दिया गेट के ऊपर, ये दिखाने के लिए मैं तो सूत्रों का सुबह सुबह दर्शन भी नहीं करता। तो रामानंद जी ने पूछा, केरे बालक तेरी जात क्या है और तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है। अब देखो वो परमात्मा हमारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, एक दो कौड़ी का जीव रामानंद उसके आगे ऐसे खड़े परमात्मा हाथ जोड़ के, जैसे एक सुयोग्य शिष्य को अपने गुरु जी के सामने व्यवहार करना चाहिए।
ऐसे खड़े हैं परमात्मा। अब क्या वार्ता होती है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कितनी अच्छी चित्रित की है। आड्डा पड़दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर धार को दंत। जो भड़ी के अंदर पाँ पटके गुस्से में जैसे मृग कूद जा कर इन्हों, और इन्हों क्या प्रश्न किया, कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी कहते हैं कि बलिहारी जाऊं मैं उस भगवान पे रामानंद जी के सामने, कति कितना अधीन होकर बोलते हैं और सच्चाई कहते हैं साथ साथ। क्या बोले परमात्मा, रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जात है और कौन तुम्हारा पंथ और के तुम्हारा नाम है। परमात्मा ने क्या बताया, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। ओए मेरी जात पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, और मेरा पंथ पूछते हो, मैं परमेश्वर का पंथ है मेरा एक ईश, जिसको सरपुरुष कहा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष, जिसको ईश ईश्वर और परम अक्षर पुरुष को परमेश्वर कहते हैं। तो क्या बताते हैं, जाते हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पर मेरा नाम निरंजन कंत। क्योंकि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ और मैं उस परमेश्वर का पंथ लिए हुए हूँ। इस बात से रामानंद जी घना दुखी हो गया कि देख छोटा सा बालक कैसी बकवाद कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या जब हो बोले सृजन हारे। पर गरीबदास साहिब जी के बता रहे हैं कि जब रामानंद जी को परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, इस बात का दुख माना रामानंद ने और गाली देने लग गया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरे तो घटमट तन आकार, तू तो सामने खड़ा दिखाई देता है और वो परमात्मा तो निराकार है, जिसके बारे में तू कह रहा है मैं वही भगवान आया हुआ हूँ। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार। गरीबदास जी कहते हैं दास गरीब रामानंद जी का दर्द हो गया इस बात का, जब परमात्मा हो बोले सृजनहार के मैं सृजनहार हूँ, और किसे उलाने दिए कैसी अब उधर बातें कही, तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति तेरा ऐसा दृढ़ विश्वास, जैसे नो कहा कर तो उसके एक मुसलमान के टुकड़ा पर पलने वाला तू है और अपने आप को भगवान कह रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदमुखी एता तुम गठफेन, तर्क तलु से बोलते वो रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है यू आखिर नीच निदान। कितनी अब अदर बातें कही भगवान को उस रामानंद ने, के ये तो कुजात है, कुजात कुजात माने इसके माँ का बेरा ना बाप का, और किस जाति का कित पड़ा पाया यू, इस भाव से बोल रहा है कि तर्क तलु से बोलते वो रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है यू आखिर नीच निदान। नो कहने गए तो नीच है न शूद्र है ना, और इसकी जात का नहीं बेरा कुजात, और अपने आप को भगवान कह कुछ भी बकवाद कर सकता है ऐसा व्यक्ति। अब परमात्मा के बोले, मैं के बदन खुलास करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब अजात हूं ते जो कहा बलि जाऊं मैं। मैं के बदन खुलास करे सुन सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज आदीन। अब क्या बताने लगे परमात्मा अपनी सती थी, मैं अवगत गत से परे और तेरे चार वेद से दूर,
दास गरीब दसों दशा में सकल संध भरपूर। मेरी महिमा तो है इन वेदों में, लेकिन इनसे दूर यानी इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। सकल संध भरपूर हूं, खालिक हमारा नाम, दास गरीब आजाद हूं, तय जो कहा बलि जाऊं मैं। देखो सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे कुजात कहो, नीच कहो, सिरोधार्य है, लेकिन मैं इस जात जूत से परे हूँ, मेरी कोई जात नहीं, और बाकी आपने जो कहा वो सिरोधार्य है, लेकिन सच्ची मैं हूँ वही जो आपको बता रहा हूँ। ए स्वामी, सृष्टा मैं और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ, सुन रामानंद राम मैं, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। मेरी ही सत्ता सबके ऊपर है, और सुन रामानंद राम मैं बावन नरसिंह, ये नरसिंह बनकर मैं ही आया था, प्रहलाद को बचाया था, और नाम विष्णु का, मैंने विष्णु रूप धारण कर लिया, क्यों विष्णु का पुजारी था, राज्य हो जाएगा बालक। कहते हैं सुन रामानंद राम मैं, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। फिर क्या बताते, ए स्वामी सृष्टा मैं और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी ने सोचा इतना कॉन्फिडेंस से यू बालक बोल रहा है, इसने तो बात बढ़ा दी। फिर कहने लगा मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता, तू बैठ जा एक तरफ, पर्दे के पीछे से बात हो रही है ये। अब वो पर्दे से पीछे कहने लगा मैं थोड़ी पूजा कर लूँ, अपने नित नियम कर्मकांड करता था वो, और परमात्मा बाहर खड़े रहे। रामानंद जी क्या कर रहे थे, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाते थे, वो कर्मकांड बाहर मूर्ति पूजा से नहीं करते थे, लेकिन मूर्ति की कल्पना करते थे, अभ्यास कर रखा था, ध्यान में बैठते ही मूर्ति दिखे विष्णु भगवान की। और कर्म कांड में क्या होता है कि प्रतिदिन उसको नुहाते हैं मूर्ति को, तो ऐसे प्यारे ढंग से जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए गंगा जल लाए हों रामानंद जी, जैसे कल्पना होती है सौपन सा। और फिर क्या किया, सारे कपड़े उतार दिए मूर्ति के, कर्मकांड केवल मानसिक पूजा कर रहा था, मानसिक कपड़े उतार दिए सारे, और फिर उनको नवाया, नवा के फिर सारे कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के सिर पर। अब फिर क्या देखा कि भगवान के गले में कंठी नहीं है, वो माला नहीं, मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, अगले दिन उतरे वो, नहीं तो पूजा खंडित, और माला नहीं डली भगवान के गल में, पूजा अधूरी फिर खंडित। इसलिए रामानंद जी ने सोचा इस माला को उठा के और मुकुट के अंदर से डाल दूं। वह डालने की चेष्टा करने लगा तो मुकुट में फंस गई, वह आगे ना गई। तो रामानंद जी इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान, आज मेरे से कौन सी गलती बन गई, हे परमात्मा, जिंदगी में पहली बार मेरे से भूल लगी, आपके गले में आपका श्रृंगार रह गया दाता। इतना चिंतित हो गया, आकाश कौन सी भूल पड़ गई, हे भगवान बुढ़ापा आ गया, कदे बनी बनाई पूजा बिगड़ जाए, मेरी भक्ति नाश हो जावे। परमात्मा खड़े थे सामने पर्दे ते पीछे बाहर। कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो गुंडी, और फिर इसको दोबारा गांठ लगा दो गले में डालकर, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा बच जाएगी। अब रामानंद जी ने सोचा रे तेरा गजब, यो पर्दा ला रखा और मैं कोई मूर्ति ले नहीं रहा, मानसिक पूजा कर रहा हूं, और इस बालक ने मेरी समस्या जाने दी। कहते हैं उसी समय इसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान को पहचान ले। उसी समय आडा पड़दा दूर बगा और लीना कंठ लगाए, एकदम बूढ़ा आदमी बाहर निकल के आया, उस बच्चे को जिसको ब्राह्मण लोग छूते भी नहीं थे, कपड़ों से भी नहीं छूने देते थे, और सामने कई सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण विराजमान थे,
तो पुण्यात्मा इसको ब्राह्मण कहते हैं। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे कोठे डारे ज्ञान, तो इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने समाज नहीं देखा रामानंद जी ने, उसने जिसके लिए वो मर मिट रहा था, सारा जीवन गाल दिया था, वो सामने खड़ा एक तरफ पूरा संसार एक तरफ भगवान, तो उस ब्राह्मण ने परमात्मा सेलेक्ट किया और उस बच्चे को सीने से लगा लिया। नो हे भगवान, आप तो परमात्मा हो, आपने मेरे मन की बात बता दी, आप समर्थ हो, बीच में पड़ता कोई मूर्ति भी नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं, पर भगवान ने पहचान दे। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तो मलखी मुकट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी क्या कहते हैं कि मेरे मन की बात आपने पकड़ ली, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, हे परमात्मा आपने कैसे पहचाने हमारे जैसे जीव, आप किस तवेश भूसा में खड़े, एक छोटा सा बालक धोती बांधे खड़ा, और किस वर्ण में एक शूद्र जात में प्रगट हो रहे, ये परमात्मा तुझे कैसे पहचाने हम जीव। तो ये क्या बताता है रामानंद जी, मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, लेकिन आपको कैसे पहचान सकते हमारे जैसे जीव, आप किस तरह वेशभूषा में और किस वर्ण यानी शूद्र जाति में वर्ण में आपने कौन माने भगवान। तो परमात्मा कहते जो देखेगा मेरे धाम को सो जानते मुझ, गरीब दास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। अब परमात्मा ने तो उन सामने खड़े उनकी फटक भी निकालनी थी ना, रामानंद जी का फिर मन बदल गया, कहने लगा बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोली। परमात्मा बोले मैंने क्या झूठ बोल दी स्वामी जी, कि आपने इनको बताया कि मेरे से आपने दीक्षा ले रखी है, ये झूठ बोला आपने। परमात्मा बोले नहीं स्वामी जी, याद करो एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं पैड़ियों में लेट रहा था, आपकी खड़ाऊ मेरे लग गई थी सिर में और मैं रोऊं था, आपने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा था बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरुजी होगे। तब वो कहने लगे बच्चा वो तो एक छोटा सा लड़का था, दो ढाई वर्ष के बालक का रूप बना के प्रकट हुए थे परमात्मा, दो ढाई साल के बालक का रूप बना के पैड़ियां पर लौट गए, और ओरिजिनल वैसे उनका रूप था पांच वर्ष का, तो ढाई वर्ष के बच्चे का और पांच वर्ष के बच्चे के शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है, और वहां खड़े वो पांच वर्ष के रूप में उस झोपड़ी के सामने। तो परमात्मा ने कहा देखो स्वामी जी, एक सेवक की चारपाई थी बाहर झोपड़ी के बाहर, उस पर ढाई वर्ष के बालक का रूप बना के विराजमान हो गए परमात्मा, और कहने लगे देखो ऐसा था मैं, अब रामानंद जी ने छह बार तो उस बालक ढाई साल के बालक का रूप की तरफ देखा, और छह बार देखा वो पांच साल के बालक की ओर, आंखें मसल मसल के देखे कि कदे मेरे आंखों में धोखा लग रहा हो। फिर परमात्मा ने सोची इस बुढ़े के जची नहीं यह बात, तो ढाई साल का बच्चा उठा पांच वर्ष के शरीर में समा गया, अकेले परमात्मा खड़े रह गए। बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी ने फिर कहा कि बच्चा चलिए बात तेरी मान गया मैं, लेकिन मैं आप कह रहे हो कि मेरे को राम 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 जाप दिया आपने, मैं राम राम तो जाप नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम नाम जाप देते हो, और ये बताया ना करते इस मंत्र को, कोई भी नहीं बताता, अपने शिष्यों से भी ये कहा जाता है कि ये ना कहना किसी को ओम ओम जाप कर लेनी तो खंडित हो जाता नाम, उसको ये कहा जाता राम राम, भाई राम का नाम जप ले, राम का नाम जो मंत्र वेदों में है वो ओम मंत्र है। तो रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो कोई ऋषि ब्राह्मण बता नहीं सकता, शूद्रों को तो नाम देते नहीं, आमीन को तो बैनक भी नहीं लगा नाम क्या क्या जाप होता है। फिर पूछा कि एक बात और बता, मैं कंठी भी देता हूँ जिसको नाम देता हूँ, माला कपड़े से नीचे निकाल कर दिखा दी, देखिए डाली थी आपने मेरे गले में। अब रामानंद जी तो सहम गया भाई वो बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है।
और वो आ रहे उसकी चौंद तोड़न, उसका जो है ना अज्ञान हटाने के लिए, अपनी प्यारी आत्मा के लिए खड़े थे। क्योंकि सतयुग में यही रामानंद जी की आत्मा, एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण था और इसकी पत्नी थी दीपिका, इनका कोई संतान नहीं थी, इनको ऐसे ही एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर मिले थे। उन्होंने इनको बचपन में ऐसे कुंवारी गाय से दूध से मालिक की परवरिश हुई, वहाँ कर्म बना के आए थे। अगले जन्म में यही दीपिका और विद्याधर त्रेता के अंदर वेदविज ब्राह्मण और सूर्या नाम के थे, तब परमात्मा इनको फिर मिले थे। फिर आगे चल के रामानंद जी कलयुग में विवाह नहीं कराया, बचपन से ही 15-16 वर्ष की आयु से ही ऋषि बन गए थे भगत। तो वहाँ के फिर संभाला कहते हैं, दो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तब उसको निकालना था, बनका बैठ गया चौधरी साहब पंडित जी, रकक का पता नहीं, उसने मरो नरक में जाना था। तो उसकी फड़क निकालने के लिए सारी क्रिया की दाता ने, और शिष बनकर उसका उद्धार किया। रामानंद जी समझ गया कि वो बालक नहीं, कोई और कहानी पाव गया था। उन सब ब्राह्मणों से कहा भी तुम जाइयो अब यहाँ से। अब वो चले गए उठ के, दोनों बैठ के वहाँ और 5-4 रह गए जितने सुनना था सत्संग चर्चा उनकी। तब परमात्मा ने पूछा कि हे स्वामी जी, आप किसकी पूजा करते हो? रामानंद जी ने कहा मैं विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ, और विष्णु भगवान सर्वेश्वर हैं, ये हर महेश्वर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा आप देखिएगा देवी पुराण में, आप देखिएगा शिव पुराण के इसी स्कंद में। अब वो तो विद्वान पुरुष था, उसको याद था, सारी कंठस्थ याद थी सारी बात। परमात्मा कहते गए वो मान गया, क्योंकि उसके 16 दिन आगे थे, ये इतनी लीला देख ली भगवान की, तो काफ़ी सहमति देने लग गया था। फिर परमात्मा ने कहा मान लीजिए आप विष्णु की पूजा करके कहाँ जाओगे? कि विष्णु लोक में जाऊँगा। वहाँ कितने दिन रहोगे? स्वर्ग में, विष्णु के लोक में भी एक स्वर्ग है। तो ये तो बुद्धिमान, इतना तो ज्ञान रखते थे, विद्वान पुरुष थे, कहने लगे जी जितना समय मेरा पुण्य का होगा तब तक रहूँगा। परमात्मा बोले फिर कहाँ जाओगे उसके बाद? कि फिर तो पता नहीं बच्चा कहाँ ठिकाना होगा, फिर क्या खाक भक्ति कर रहे हैं आप या हैं? वहाँ गए फिर नरक में, वो क्या चाटे उस स्वर्ग ने? मैं आपको बताता हूँ सतलोक जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और 16-17 में ये स्पष्ट वर्णन है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। तो रामानंद जी के तो श्लोक याद थे सारे, ब्राह्मण था, सारी बात याद थी। कहाँ 15वें अध्याय के 4 श्लोक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता जिसको तुम, परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया स्वामी जी? कि श्री कृष्ण जी ने। हाँ परमात्मा से बता, इन बड़का न्यो नहीं पता गीता जी का ज्ञान किसने दिया। परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ज्योत निरंजन स्वरूप ने, इसने ब्रह्म ने दिया ये ज्ञान। और इसमें क्या कहता है वो अपने, चल मान लीजिए आप श्री कृष्ण कोई मान कर चलो, और श्री कृष्ण ही जी विष्णु, हाँ हाँ जी, तो वो विष्णु जी तो कह रहा है श्री कृष्ण जी मान ले 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, जानता हूँ। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वीकार करता कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरी उत्पत्ति होती है, मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते, और आपको इन्ना विनाशी। रामानंद जी का पसीने आ गए, सच्ची है, रोज पढ़ा करते कदे मन में नहीं आई यह बात। फिर परमात्मा ने कहा कि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है, और कहा कि उसी की पूजा करो। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा था रामानंद जी से कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये आपका गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वह परमात्मा कौन है? रामानंद जी कहते नहीं नहीं वो तो अपने ही विषय में कह रहे थे। जब परमात्मा ने डिटेल से बताया कि वो अपने विषय में तो ये कह रहा है मेरे और तेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि ऐसे ऐसे उस परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आते,
जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उसकी भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो, उसमें स्पष्ट किया केवल उसकी भक्ति करो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष हैं स्वामी जी। अब स्वामी जी के वो तो याद थे सारे श्लोक तक, हाँ सर पुरुष और अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर सब जातम को जानकर तो प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने की चेष्टा करता है। अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में कि किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है स्वामी जी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बताता मेरी भक्ति करे और तो मुझे ही प्राप्त होगा लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। अपने पूजा का मंत्र बताता 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमण यह प्रयाति तन देह सयाति परमाम गति, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का जो ओम का जाप करते हुए श्री छोड़ कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में और कहा कि ब्रह्म लोक, क्योंकि ओम से ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता, अभी आपने देवी पुराण में देखा तो ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है तो तेरे ओम नाम से भी हुई परम गति भी यूजलेस है, जन्म मृत्यु होती है। 8वें अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहता, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके मंत्र के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ, उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है वो आपको पता है। अक नहीं बच्चा मुझे तो ओम तो ऊपर किसी चीज का पता नहीं। तब परमात्मा ने कहा इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आती। अपने आत्माओं हमारा ये पिछला रंग जल्दी से उतरदा नहीं। रामानंद जी तो सारी उम्र खो दी थी, 104 साल का बुढ़ा हो गया था, ये डोलेड होते और थोड़ी सी अंदर समाधि लग जाती उस समय न सोच रहा था मैं ऋषि हो गया मैं। रामानंद जी ने कहा कि बच्चा मैं समाधि लगाता हूँ, मेरी बहुत दूर तक समाधि जाती है। परमात्मा बोले लगा तेरी समाधि, वो तब अभ्यास हो रहा था 1 सेकंड में लगाई और अंदर चला, कहाँ पहुँच गया त्रिकुटी पर पहुँच गया और परमात्मा साथ साथ वो 5 साल के बालक पहुँच गया त्रिकुटी पर। परमात्मा बोले इब आगे कित जागा, आगे कहाँ जाओगे पता नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम पमार है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं गाँव छठेरा तहसील कसौली जिला सोलन का रहने वाला हूँ, फिलहाल सोलन में मकान बना करके रह रहा हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं सेना पुलिस से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हूं और वर्तमान में एक छोटी सी दुकान करता हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2014 मई के महीने में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था। मेजर साहब आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सेना में रह करके ज़्यादातर हमारे एक तो पहाड़ी इलाके में यहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं गाहे बगाहे बीच में कभी, वैसे तो एक सैनिक के नाते जहाँ भी कहीं झंडा देखा, जहाँ कहीं मंदिर चर्च गुरुद्वारा चाहे कोई मस्जिद हो सब में हम मस्तिष्क निभाते थे और यही हमारी पूजा थी, इसी को हम करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में एक सैनिक का कैसे आना हुआ? ये एक अद्भुत कहानी है सर। मैं दुकान में बैठा था, कुछ 4-1 बजे का टाइम था शाम को। मेरे पिताजी कबीर साहब के बहुत अच्छे अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। वो अचानक कभी मैं ज़िंदगी में हमको डांट नहीं मारा, डांट तक नहीं मारा, उस दिन फ़ोन आया और एकदम डांट करके मुझे बोला क्या यार ये केबल हमारी बंद हो गई और मैं धार्मिक सुनना है, तो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुझे भी अंदर से मुझे भी गुस्सा आ गया कि मुझे ही क्यों ऐसा बोला है। फिर मन में सोचा कि मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, मेरे को बोलेंगे और किसको बोलेंगे, मगर मेरे अंदर से जो मेरे अंदर भी आग भड़क गई
तो मैंने क्या किया कि ठीक है बोल करके, और जो केबल वाला था मैंने सारी कसर उसके ऊपर निकाल दी। इतना गुस्से में बोला और दो मिनट में उसे ठीक करके फटाफट मेरे पास दौड़ के आया, अंकल जी आप इतना गुस्से कभी हुए नहीं। मैं भी पछताया कि मैंने वाकई इसको गलत बोल दिया। खैर जो हुआ, फिर पिताजी को भी महसूस हुआ, उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसी बात थी, मैं धार्मिक प्रवचन आते हैं और उसके थोड़ा मतलब मुझे किस्म से मस्का लगाने लगे वो। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का बड़ा भारी था। तो खैर मगर एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरा रास्ता ही बदली कर दिया जीवन का, कि उन्होंने ये बताया कि देखना यार शाम को एक सत्संग आता है 7:40 पर, उस टाइम साधना चैनल पर आता था, कि उस चैनल उस पर देखना है, कोई कबीर साहब की बड़ी अच्छी भाषा बोलता है, और वो संत बोला बड़ी अच्छी बोलता, उसको देखना आपने। परमात्मा ने रजा करनी थी, इस पापी को रस्ते पर लाना था, वो टाइम मुझे याद रहा। और मैंने जैसे वो 7:40 पर लगाया तो मैंने देखा ये कौन से संत है भाई। हालांकि मैं सेना में रहते हुए सभी के साथ काम किया तो मुझे हरियाणा की भाषा का भी मालूम था, सबका ज्ञान था, तो मैं बोला ये तो हरियाणा के हैं। लेकिन जिस टाइम वो बता रहे थे तो मेरी एकदम मुझे हिट सा हुआ कि ये ज्ञान तो हमने आज दिन तक अभी हमें बताया ही नहीं किसी ने, और जो हमने भी देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया, मतलब उसमें मुझे रुचि पड़ी। सर जब आपने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो पहली बार जरूर आपके मन में कुछ न कुछ तो आया होगा कि कैसे ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं देवी देवताओं के बारे में। हमने काफी सारे अनुयायियों से जब इसके बारे में पूछा तो काफी सारे लोगों ने ये बताया भी कि पहली बार जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो वास्तव में ही थोड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। नहीं अजीब तो लगा लेकिन गुस्सा नहीं आया, ये परमात्मा की रजा समझिए आप, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। हाँ इतना ज़रूर हुआ कि मेरा एक रूटीन बना, अब मैं क्या बोलूँ मुझे बताते हुए शर्म आती है, कि 7:40 पर वो चैनल शुरू होना, मैंने पक्का लगाना डेली देखना दुकान में, और मैं क्या बताऊँ मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि उसी टाइम पर मैं शराब पी शुरू कर देता था। और वो मेरा ये रूटीन मुझे मालूम नहीं कि वो शायद एक साल चला या कितना चला, लेकिन मैंने एक भी मिस नहीं की वो सत्संग। और वो मेरा था एक घंटे में, जब वो ख़त्म मेरा भी बंद इधर से प्रोग्राम, तो ऐसे ही एक किस्म आपको पता है शराबी कैसा होता है। लेकिन दिल में एक लहर ऐसी उठती गई और अंत में ऐसा अटैक हुआ मेरे ऊपर कि एक दिन मेरे मन में आया बस इनफ, नहीं तो अब ख़त्म है तेरा काम, ऐसी अंदर से लहर उठी। मैंने उसी टाइम रात को पता नहीं कितनी पिरक थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब सुबह मैं सोया रहता था, सुबह मैं सबसे पहले उठ करके बैठ गया, और जैसे पिताजी सामने आए मैंने सीधा उनसे जब पूछा, पहला शब्द यही था, मैं कहा पिताजी आप नीचे बरवाला कब जाएंगे, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे मुंह से मुझे इतनी बदबू लगी, अरे बाप रे बाप, मैंने शराब इतनी बुरी तरह, उससे पहले कभी मेरे को बदबू नहीं आई, उस दिन लगी। बोला मेरी तरफ देखा पिताजी ने, बोला अभी 10-15 दिन में जाएंगे, मैं कहा ठीक है जी मैं भी जाऊंगा। भक्त में मेरी मिसिज भी आकर के खड़ी हो गई, तो मैंने बोला जी आपने भी चलना है। तो उसको एक बार मेरे जब फौज में मैंने फैमिली साथ रखी थी तो अलवर में राजस्थान में, वहाँ उसको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो वो डरती थी गर्मी से, उसके मुँह से निकल गया ना, और मेरे मन में एक फिर वो भाई परमात्मा आपके पास तो मैं आना चाहता था विद फैमिली, और आपने मुझे रुकावट डाल दी, ये क्या हुआ, चलो आपकी इच्छा है। जब जाने का टाइम हुआ एक दिन पहले ही मिसिस को मैंने बोला भी जो सामान थोड़ा बहुत डालना डाल दे, पिताजी बोले वहाँ कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, वहाँ सब कुछ मिलता है। मैं कहा तेल साबुन तो डाल ले, बोला वहाँ सब मिलता है तेल साबुन भी, लेना तो पेस्ट ले लो और आपका ये क्या बोलते हैं ब्रश ले लो, बाकी सब वहाँ मिलता है। मैं कहा अच्छी बात है। तो मिसिस क्या बोले, मैं भी चलूँ, परमात्मा कितनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पर, मैं गदगद हो गया, परमात्मा ने इतनी इजाज़त दी मेरे को। और हम दोनों गए, हमने वहाँ जाके नाम लिया, ये है परमात्मा की दया। सर एक बड़ी विचित्र बात है कि हम सुनते हैं कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनका नशा छूट जाता है, लेकिन आपका तो रूटीन ही बन गया कि सत्संग सुनना और शराब पीना। सर ये शराब पीने का क्या मतलब था कि सत्संग सुनते टाइम ही शराब पीना, क्या मतलब था? ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या होता था, कुछ ऐसा हो गया कि उससे पहले मैंने नहीं करना, जिस टाइम सत्संग शुरू होनी उसी टाइम, और जिस दिन नाम लिया उसके लेकर आज तक 4-5वां साल होने वाला है, लेकिन उसके बाद हमने कोई भी नशे को हाथ नहीं लगाया। इवन दुकान के अंदर घर के अंदर कहीं कहीं पड़ी रहती थी, मैंने बेटे को बुलाया, मैंने बोला बेटा इन उनको उठाओ और घर के निचली मंजिल में बाहर जाओ और ढक्कन खोल के धरती में गाड़ दो, इसको किसी और को भी ना देना इसको।
मेजर साहब, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले हैं, लेकिन अपने आप में ये हैरान करने वाली बात है कि एक संत केवल मंत्रों के जाप से अपने अनुयायियों को कैसे लाभ दे सकता है, जबकि आज साइंस का ज़माना है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने आर्मी में अच्छा खासा वक्त बिताया है, क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास क्यों नहीं करते जी, 100% विश्वास है। हमारी जो भक्ति है, मैं एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, हमारी भक्ति पहले थी हम हलो हलो करके बुला रहे थे, अब हम हलो हलो बुलाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा मेरी बात को, लेकिन अगर हम उसको नाम से पुकारेंगे वो पक्का हमारी बात को सुनेगा, उस पर गौर भी करेगा, हमारी तरफ आएगा भी, पूछेगा भी, हमारी तकलीफ होगी उसको दूर भी करेगा। वो उन्होंने बताया कि हलो हलो से कोई फ़ायदा नहीं है, इनके सही नाम से आप पुकारिए और हम उसका उसी ढंग से उसका नाम ले रहे हैं उनका, और हमें लाभ हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सर, आधुनिकता के इस दौर में आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या मंत्र जाप करने से कोई भक्ति लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अब उदाहरण पे है इसके लिए, गुरु नानक देव जी को मिला, मीराबाई को मिला, और कई भक्त है, भक्त प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला, जिस जिसने भक्ति की उसको सबको लाभ मिला, और इतना अद्भुत लाभ मिला इसमें कोई शंका नहीं है। हमें तो यह अचंभा होता है कि आपको, आप भी इस ढंग की बात करते हैं, भक्ति से लाभ क्यों नहीं मिलता है? अब अगर ढंग से हमको नाम बताया हो और हम उसको जपेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जो हमारे धर्म के अनुयायी हैं, जिनके जिनको हम समझते हैं कि हमारा बेड़ा पार करेंगे, उनको खुद को ही मालूम नहीं है, वो दूसरे को क्या बताएंगे? सर, हमने तो यही सुना है, जो कि बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, मौलवी हैं, वो तो यही कहते हैं कि जो कर्म में लिखा है, जो आपके कर्म संस्कार है, वही मिलेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं मिल सकता। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो है, वो पूर्ण गुरु, वो परमात्मा के रूप में ही होता है, वो घोर से घोर पापों का भी नाश कर सकता है। जब वो लिखा गया उसके अंदर, ये लोग, इनको खुद को पता नहीं है, वो क्या बताएंगे कि वो, जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो हमारे अनुयायी हमको क्या बता सकते हैं? सर, आपको क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से? अद्भुत लाभ, एक तो सबसे बड़ी बात, आज तक अगर मैं उस शरण में ना जाता तो आज तक शायद मेरा शरीर खत्म हो चुका होता। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता, मेरी जान बच गई। दूसरा लाभ, मेरी मिसिस जो ऊपर की मंजिल से गिर करके निचले तक पहुंच गई, और डॉक्टर भी हैरान कि उन्होंने देखा बड़े बड़े काले काले धब्बे पूरे ऊपर, पिछले बैक साइड पूरा, उन्होंने बोला ये तो मुश्किल है बचनी, यहाँ जब सिर में भी चोट लगी है तो। लेकिन जब उसके एक्सरे निकाल करके देखा तो डॉक्टर ने बोला, जी आप कोई परमात्मा का नाम लेते हैं क्या? तो मेरा गला रुंध गया, मैं बोल ही नहीं पाया। बोला, अंकल जी ठीक है, हम समझ गए, एक भी फ्रैक्चर नहीं है। ऊपर की मंजिल से गिरना और इतना भारी शरीर, और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ जाए और बच जाए, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये लाभ नहीं तो और क्या है? सर, फिर भी लोग ये कहते हैं कि एक श्रद्धालु को तो रूहानी लाभ की ही इच्छा रखनी चाहिए, ये सांसारिक लाभ, ये भौतिक लाभ, ये सब तो आनी जानी चीज़ है। अगर हमारा शरीर ही बीमार है तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? जिसको तकलीफ है वो भक्ति कैसे कर सकता है? तो जब शरीर ठीक होगा तो भक्ति भी सही होगी, और भक्ति अगर शरीर तभी ठीक होगा जब हमने सही नाम लिया होगा। और जो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको शारीरिक सुख तो नहीं मिलेगा, शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा इसका, तो वो तो ढोंगी है। वो बोलते तुम्हारे पिछले कर्म तो भाई भुगतने पड़ेंगे। अरे भुगतने पड़ेंगे तो भक्ति किस लिए करनी है? वो तो हमने, जब भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति तभी उसका फायदा है, हमें कुछ लाभ होगा और हमें हो रहे हैं लाभ, ये है यथार्थ भक्ति। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं अर्ज करता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ को मेरे भाई सुन रहे हैं, हम उनसे यही अर्ज करेंगे कि भैया आप देर ना करो, ऐसा मुश्किल से ऐसा संत धरती पर प्रकट हुआ है और ऐसा ज्ञान देता है, आप अपना कल्याण करवाएं और परिवार का भी कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए